जामुन की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है जामुन। इसके अंदर वाली गुठली को निकाल दिया है। 4-5 जामुन का मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 1 तिहाई मिल्क पाउडर, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी व्हिप क्रीम, 1/4 पिसी हुई चीनी, वनीला एसेंस। सबसे पहले जामुन को पीसेंगे। जामुन को बिना पानी पीसेंगे। जामुन को मैंने पीस लिया है। जामुन के पेस्ट को लो फ्लेम पे जब तक पानी ना सूखे तब तक पकाएंगे। जामुन के पेस्ट का पानी सूख चुका है, अब इसमें चीनी डालेंगे। फिर अच्छे से मिला लेंगे। चीनी घुलने तक पकाएंगे। जामुन के पेस्ट का पानी सूख चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पहले 1 बर्तन में व्हिप क्रीम डालेंगे, फिर इसको डबल बीटर से फेंटेंगे। क्रीम को 10 मिनट तक फेंटेंगे। क्रीम को मैंने 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें चीनी मिलाएंगे, मिल्क पाउडर मिलाएंगे। चीनी मिल्क पाउडर को दोनों को अच्छे से क्रीम में मिलाएंगे। अब क्रीम में दूध मिलाएंगे। अब इसमें वनीला एसेंस 5-7 बूंद डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से फेंट ली है। अब इसमें जामुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब जो बचे हुए जामुन के टुकड़े हैं वो भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इस बेस को 8 कंटेनर में डालेंगे और 7-8 घंटा के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। तैयार है जामुन आइसक्रीम। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें।